नाविका सागर परिक्रमा जी, मैं उनके विषय में कुछ बात करना चाहता हूं। भारत की ये छह बेटियों ने, उनकी इस टीम ने 254 डेज, 250 से भी ज्यादा दिन समुद्र के माध्यम से INSV तारिणी में पूरी दुनिया की सैर कर 21 मई को भारत वापस लौटी और पूरे देश ने उनका काफी गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने विभिन्न महासागरों और कई समुद्रों में यात्रा करते हुए लगभग 22,000 नॉटिकल माइल्स की दूरी तय की। यह विश्व में अपने आप में एक पहली घटना थी। गत बुधवार को मुझे इन सभी बेटियों से मिलने का, उनके अनुभव सुनने का अवसर मिला। मैं एक बार फिर इन बेटियों को, उनके एडवेंचर को, नेवी की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए और विशेषकर दुनिया को भी लगे कि भारत की बेटियां कम नहीं है, ये संदेश पहुंचाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सेंस ऑफ एडवेंचर कौन नहीं जानता है। अगर हम मानव जात की विकास यात्रा देखें तो किसी न किसी एडवेंचर की कोख में ही प्रगति पैदा हुई है। विकास एडवेंचर की गोद में ही तो जन्म लेता है। कुछ कर गुजरने का इरादा, कुछ लीक से हटकर के करने का मायना, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की बात, मैं भी कुछ कर सकता हूं यह भाव, करने वाले भले कम हो लेकिन युगों तक कोटि कोटि लोगों को प्रेरणा मिलती रहती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वालों के विषय में कई नई नई बातें ध्यान में आई है और सदियों से एवरेस्ट मानव जात को ललकारता रहा और बहादुर लोग उस चुनौतियों को स्वीकारते भी रहे। 16 मई को महाराष्ट्र के चंद्रपुर के एक आश्रम स्कूल के 5 आदिवासी बच्चों ने, ट्राइबल स्टूडेंट्स मनीषा धुवरे, प्रमेश अले, उमाकांत माधवी, कविदास काटमोड़े, विकास सोयम, इन हमारे आदिवासी बच्चों के इस दल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की। आश्रम स्कूल के इन छात्रों ने अगस्त 2017 में ट्रेनिंग शुरू की थी। वर्धा, हैदराबाद, दार्जिलिंग, लेह, लद्दाख इनकी ट्रेनिंग हुई। इन युवाओं को मिशन शौर्य के तहत चुना गया था और नाम के ही अनुरूप एवरेस्ट फतह कर उन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। मैं चंद्रपुर के स्कूल के लोगों को, इन मेरे नन्हे मुन्ने साथियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। हाल ही में 16 वर्षीय शिवांगी पाठक नेपाल की ओर से एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी। बेटी शिवांगी को बहुत बहुत बधाई। अजीत बजाज और उनकी बेटी दिया एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय पिता पुत्री की जोड़ी बन गई। ऐसा ही नहीं कि केवल युवा ही एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं, संगीता बहल ने 19 मई को एवरेस्ट की चढ़ाई की और संगीता बहल की आयु 50 से भी अधिक है। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने दिखाया कि उनके पास न केवल स्किल है बल्कि वे सेंसिटिव भी है। अभी पिछले दिनों स्वच्छ गंगा अभियान के तहत BSF के एक ग्रुप ने एवरेस्ट की चढ़ाई की, पर पूरी टीम एवरेस्ट से ढेर सारा कूड़ा अपने साथ नीचे उतार कर लाई। यह कार्य प्रशंसनीय तो है ही, साथ ही साथ यह स्वच्छता के प्रति, पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। वर्षों से लोग एवरेस्ट की चढ़ाई करते रहे हैं और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक इसे पूरा किया है। मैं उन सभी साहस वीरों को, खास करके बेटियों को, हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों और खास करके मेरे नौजवान दोस्तों,
अभी 2 महीने पहले जब मैंने फिट इंडिया की बात की थी तो मैंने नहीं सोचा था कि इस पर इतना अच्छा रिस्पांस आएगा, इतनी भारी संख्या में हर क्षेत्र से लोग इसके सपोर्ट में आगे आएंगे। जब मैं फिट इंडिया की बात करता हूँ तो मैं मानता हूँ कि जितना हम खेलेंगे उतना ही देश खिलेगा। सोशल मीडिया पर लोग फिटनेस चैलेंज के वीडियो शेयर कर रहे हैं, उसमें एक दूसरे को टैग कर उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। फिट इंडिया के इस अभियान से आज हर कोई जुड़ रहा है, चाहे फिल्म से जुड़े लोग हों, स्पोर्ट से जुड़े लोग हों, या देश के आम जन, सेना के जवान हो, स्कूल के टीचर हो, चारों तरफ से एक ही गूंज सुनाई दे रही है, हम फिट तो इंडिया फिट। मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे भी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली जी ने चैलेंज किया है और मैंने भी उनके चैलेंज को स्वीकार किया है। मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी चीज है और इस तरह का चैलेंज हमें फिट रखने और दूसरों को भी फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में कई बार खेल के संबंध में, खिलाड़ियों के संबंध में कुछ न कुछ बातें आपने मेरे से सुनी ही है और पिछली बार तो कॉमनवेल्थ गेम्स के हमारे नायक अपनी मन की बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें बता रहे थे। नमस्कार सर, मैं छवि यादव नोएडा से बोल रही हूँ। मैं आपकी मन की बात की रेगुलर लिसनर हूँ और आज आपसे अपनी मन की बात करना चाहती हूँ। आजकल की गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं और एक माँ होने के नाते मैं देख रही हूँ कि बच्चे ज़्यादातर समय इंटरनेट गेम्स खेलते हुए बिताते हैं, जबकि जब हम छोटे थे तो हम ट्रेडिशनल गेम्स, जो कि ज़्यादातर आउटडोर गेम्स होते थे, वो खेलते थे। जैसे कि एक गेम था, उसमें 7 पत्थर के टुकड़े एक के ऊपर एक रख के उसको बॉल से मारते थे, और ऊंच नीच होता था, खो खो, ये सब गेम्स जो आजकल खो से गए हैं। मेरा ये निवेदन है कि आप आजकल की जनरेशन को कुछ ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में बताएं, जिससे उनकी भी रुचि इस तरफ बढ़े। धन्यवाद। छवि यादव जी, आपके फोन कॉल के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यह बात सही है कि जो खेल कभी गली गली हर बच्चे के जीवन का हिस्सा होते थे, वे आज कम होते जा रहे हैं। ये खेल खासकर गर्मी की छुट्टियों का विशेष हिस्सा होते थे, कभी भरी दोपहर में तो कभी रात में खाने के बाद बिना किसी चिंता के, बिल्कुल बेफिक्र होकर के बच्चे घंटों घंटों तक खेला करते थे। और कुछ खेल तो ऐसे भी हैं जो पूरे परिवार साथ में खेला करता था, पिट्ठू हो या कंचे हो, खो खो हो, लट्टू हो या गिल्ली डंडा हो, न जाने अनगिनत खेल कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक हर किसी के बचपन का हिस्सा हुआ करते थे। हाँ, यह हो सकता है कि अलग अलग जगह वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे अब पिट्ठू ही, यह खेल कई नामों से जाना जाता है। कोई उसे लागोरी, सातोलिया, सात पत्थर, डिकोरी, सतोदिया, न जाने कितने नाम है एक ही खेल के। परंपरागत खेलों में दोनों तरह के खेल हैं, आउटडोर भी हैं, इंडोर भी हैं। हमारे देश की विविधता के पीछे छिपी एकता इन खेलों में भी देखी जा सकती है। एक ही खेल अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। मैं गुजरात से हूं, मुझे पता है गुजरात में एक खेल है जिसे चोमल इस्तो कहते हैं। एक कोड़ियों या इमली के बीज या डाइस के साथ और 8x8 के स्क्वायर बोर्ड के साथ खेला जाता है। यह खेल लगभग हर राज्य में खेला जाता था। कर्नाटक में इसे चौका 12 कहते थे, मध्य प्रदेश में अत्तू, केरल में पकीड़ा काली, तो महाराष्ट्र में चंपल, तो तमिलनाडु में दायाम और थायाम, तो कहीं राजस्थान में चंगापो, न जाने कितने नाम थे। लेकिन खेलने के बाद पता चलता है हर राज्य वाले को भाषा भले न जानता हो, अरे वाह, ये खेल तो हम भी करते थे। हम में से कौन होगा जिसने बचपन में गिल्ली डंडा न खेला हो। गिल्ली डंडा तो गांव से लेकर शहरों तक में खेले जाने वाला खेल है। देश के अलग अलग भागों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे गोटी बिल्ला,
या कर्रा बिल्ला के नाम से जानते हैं, ओडिशा में उसे गुलीबाड़ी कहते हैं, तो महाराष्ट्र में उसको विट्टी डांडू कहते हैं। कुछ खेलों का अपना एक सीजन होता है, जैसे पतंग उड़ाने का भी एक सीजन होता है, जब हर कोई पतंग उड़ाता है। जब हम खेलते हैं, हमें जो यूनिक क्वालिटीज होती है, हम उन्हें फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे जो शर्मीले स्वभाव के होते हैं, लेकिन खेलते समय बहुत ही चंचल हो जाते हैं, खुद को एक्सप्रेस करते हैं। बड़े जो गंभीर से दिखते हैं, खेलते समय उनमें जो एक बच्चा छिपा होता है, वो बाहर आता है। पारंपरिक खेल कुछ इस तरह से बने हैं कि शारीरिक क्षमता के साथ साथ वो हमारी लॉजिकल थिंकिंग, एकाग्रता, सजगता, स्फूर्ति को भी बढ़ावा देते हैं। और खेल सिर्फ खेल नहीं होते हैं, वो जीवन के मूल्यों को सिखाते हैं। लक्ष्य तय करना, दृढ़ता कैसे हासिल करना, टीम स्पिरिट कैसे पैदा होना, परस्पर सहयोग कैसे करना। पिछले दिनों मैं देख रहा था कि बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़े हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंटरपर्सनल स्किल्स के इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमारे जो परंपरागत खेल थे उसका आजकल उपयोग हो रहा है, और बड़ी आसानी से ओवरऑल डेवलपमेंट में हमारे खेल काम आ रहे हैं। और फिर इन खेलों को खेलने की कोई उम्र तो है ही नहीं, बच्चों से लेकर के दादा दादी नाना नानी, जब सब खेलते हैं तो ये जो कहते हैं ना जनरेशन गैप, अरे वो भी छू मंतर हो जाता है। साथ ही साथ हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी जानते हैं, कई खेल हमें समाज, पर्यावरण आदि के बारे में भी जागरूक करते हैं। कभी कभी चिंता होती है कि कहीं हमारे ये खेल खो न जाए, और वो सिर्फ खेल ही नहीं खो जाएगा, कहीं बचपन ही खो जाएगा। और फिर उस कविताओं को हम सुनते रहेंगे, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। यही गीत हम सुनते रह जाएंगे, और इसलिए ये पारंपरिक खेल, इसको खोना नहीं है। आज आवश्यकता है कि स्कूल, मोहल्ले, युवा मंडल आगे आकर इन खेलों को बढ़ावा दे। क्राउड सोर्सिंग के द्वारा हम अपने पारंपरिक खेलों का एक बहुत बड़ा आर्काइव बना सकते हैं। इन खेलों के वीडियोज बनाए जा सकते हैं, जिनमें खेलों के नियम, खेलने के तरीके के बारे में दिखाया जा सकता है। एनिमेशन फिल्में भी बनाई जा सकती हैं, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है, जिनके लिए गलियों में खेले जाने वाले खेल कभी कभी अजूबा होता है, वो देखेंगे, खेलेंगे, खिलेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आने वाले 5 जून को हमारा देश, भारत, आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन, विश्व पर्यावरण दिवस को भारत होस्ट करेगा। ये भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और यह जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में विश्व में भारत के बढ़ते नेतृत्व को भी स्वीकृति मिल रही है, इसका परिचायक है। इस बार की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। मेरी आप सभी से अपील है, इस थीम के भाव को, इसके महत्व को समझते हुए हम सब यह सुनिश्चित करें कि हम पॉलीथीन, लो ग्रेड प्लास्टिक का उपयोग न करें, और प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी प्रकृति पर, वाइल्ड लाइफ पर और हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, उसे कम करने का प्रयास करें। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की वेबसाइट WED India 2018 पर जाएं, और वहां ढेर सारे सुझाव बड़े ही रोचक ढंग से दिए गए हैं, देखें, जानें और उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने का प्रयास करें। जब भयंकर गर्मी होती है, बाढ़ होती है, बारिश थमती नहीं है, असह्य ठंड पड़ जाती है, तो हर कोई एक्सपर्ट बन करके ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज इसकी बातें करता है, लेकिन क्या बातें करने से बात बनती है क्या? प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना, प्रकृति की रक्षा करना, यह हमारा सहज स्वभाव होना चाहिए।
हमारे संस्कारों में होना चाहिए। पिछले कुछ हफ्तों में हम सभी ने देखा कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में धूल आंधी चली, तेज हवाओं के साथ साथ भारी वर्षा भी हुई, जो कि अनसीजनल है। जानहानि भी हुई, मालहानि भी हुई। ये सारी चीजें मूलतः वेदर पैटर्न में जो बदलाव है उसी का परिणाम है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा ने हमें प्रकृति के साथ संघर्ष करना नहीं सिखाया है, हमें प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना है, प्रकृति के साथ जुड़ करके रहना है। महात्मा गांधी ने तो जीवन भर हर कदम इस बात की वकालत की थी। जब आज भारत क्लाइमेट जस्टिस की बात करता है, जब भारत ने COP21 और पेरिस समझौते में प्रमुख भूमिका निभाई, जब हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पूरी दुनिया को एकजुट किया, तो इन सब के मूल में महात्मा गांधी के उस सपने को पूरा करने का एक भाव था। इस पर्यावरण दिवस पर हम सब इस बारे में सोचें कि हम अपने प्लेनेट को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, क्या इनोवेटिव कर सकते हैं। बारिश का मौसम आने वाला है, हम इस बार रिकॉर्ड वृक्षारोपण का लक्ष्य ले सकते हैं, और केवल वृक्ष लगाना ही नहीं बल्कि उसके बड़े होने तक उसके रख रखाव की व्यवस्था करना। मेरे प्यारे देशवासियों और विशेष करके मेरे नौजवान साथियों, आप 21 जून को बराबर अब याद रखते हैं। आप ही नहीं, हम ही नहीं, सारी दुनिया 21 जून को याद रखती है। पूरे विश्व के लिए 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये सर्वस्वीकृत हो चुका है और लोग महीनों पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं। इन दिनों खबर मिल रही है सारी दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की भरसक तैयारियां चल रही है। योगा फॉर यूनिटी और हार्मोनियस सोसाइटी का यह वह संदेश है जो विश्व ने पिछले कुछ वर्षों से बार बार अनुभव किया है। संस्कृत के महान कवि भर्तृहरि ने सदियों पहले अपने शतक त्रयम में लिखा था, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी सत्यम सुनुरयम दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलम दिशोपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम हेते यस्य कुटुंबिनो वद सखे कस्मात् भयम् योगिनः। सदियों पहले कही गई ये बात का सीधा सीधा मतलब है कि नियमित योगाभ्यास करने पर कुछ अच्छे गुण सगे संबंधियों और मित्रों की तरह हो जाते हैं। योग करने से साहस पैदा होता है जो सदा ही पिता की तरह हमारी रक्षा करता है। क्षमा का भाव उत्पन्न होता है जैसा माँ का अपने बच्चों के लिए होता है, और मानसिक शांति हमारी स्थायी मित्र बन जाती है। भर्तृहरि ने कहा है कि नियमित योग करने से सत्य हमारी संतान, दया हमारी बहन, आत्मसंयम हमारा भाई, स्वयं धरती हमारा बिस्तर और ज्ञान हमारी भूख मिटाने वाला बन जाता है। जब इतने सारे गुण किसी के साथी बन जाएं, तो योगी सभी प्रकार के भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। एक बार फिर मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि वे योग की अपनी विरासत को आगे बढ़ाएं और एक स्वस्थ, खुशहाल और सद्भावपूर्ण राष्ट्र का निर्माण करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 मई है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। मैं पंडित जी को प्रणाम करता हूं। इस मई महीने की याद एक और बात से भी जुड़ी है और वह है वीर सावरकर।
1857 में यह मई का ही महीना था जब भारतवासियों ने अंग्रेजों को अपनी ताकत दिखाई थी। देश के कई हिस्सों में हमारे जवान और किसान अपनी बहादुरी दिखाते हुए अन्याय के विरोध में उठ खड़े हुए थे। दुख की बात है कि हम बहुत लंबे समय तक 1857 की घटनाओं को केवल विद्रोह या सिपाही विद्रोह कहते रहे। वास्तव में उस घटना को न केवल कम करके आंका गया बल्कि यह हमारे स्वाभिमान को धक्का पहुंचाने का भी एक प्रयास था। यह वीर सावरकर ही थे जिन्होंने निर्भीक होकर लिखा कि 1857 में जो कुछ भी हुआ वह कोई विद्रोह नहीं था बल्कि आजादी की पहली लड़ाई थी। सावरकर सहित लंदन के इंडिया हाउस के वीरों ने इसकी 50वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई। यह भी एक अद्भुत संयोग है कि जिस महीने में स्वतंत्रता का पहला स्वतंत्र संग्राम आरंभ हुआ उसी महीने में वीर सावरकर जी का जन्म हुआ। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशिष्टताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक थे। आमतौर पर वीर सावरकर को उनकी बहादुरी और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जानते हैं, लेकिन इन सब के अलावा वे एक ओजस्वी कवि और समाज सुधारक भी थे जिन्होंने हमेशा सद्भावना और एकता पर बल दिया। सावरकर जी के बारे में एक अद्भुत वर्णन हमारे प्रिय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। अटल जी ने कहा था, सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। कितना सटीक चित्रण किया था अटल जी ने। सावरकर कविता और क्रांति दोनों को साथ लेकर चले। संवेदनशील कवि होने के साथ साथ वे साहसिक क्रांतिकारी भी थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं टीवी पर एक कहानी देख रहा था, राजस्थान के सीकर की कच्ची बस्तियों की हमारी गरीब बेटियों की। हमारी ये बेटियां जो कभी कचरा बिनने से लेकर घर घर मांगने को मजबूर थी, आज वे सिलाई का काम सीखकर गरीबों का तन ढकने के लिए कपड़े सिल रही हैं। यहां की बेटियां आज अपने और अपने परिवार के कपड़ों के अलावा सामान्य से लेकर अच्छे कपड़े तक सिल रही हैं। वे इसके साथ साथ कौशल विकास का कोर्स भी कर रही हैं। हमारी ये बेटियां आज आत्मनिर्भर बनी हैं, सम्मान के साथ अपना जीवन जी रही हैं और अपने अपने परिवार के लिए एक ताकत बन गई है। मैं आशा और विश्वास से भरी हमारी इन बेटियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने दिखाया है कि अगर कुछ कर दिखाने का जज्बा हो और उसके लिए आप कृत संकल्पित हो तो तमाम मुश्किलों के बीच भी सफलता हासिल की जा सकती है। और यह सिर्फ सीकर की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर कोने में आपको यह सब दिखने को मिलेगा। आपके पास पड़ोस पड़ोस में नजर करोगे तो ध्यान में आएगा कि लोग किस प्रकार से परेशानियों को परास्त करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम किसी चाय की दुकान पर जाते हैं, वहां की चाय का आनंद लेते हैं, तो साथ के कुछ लोगों से चर्चा और विचार विमर्श भी होता ही है। ये चर्चा राजनीतिक भी होती है, सामाजिक भी होती है, चलचित्र की भी होती है, खेल और खिलाड़ियों की भी होती है, देश की समस्याओं पर भी होती है कि ऐसी समस्याएं हैं, इसका समाधान ऐसे होगा, ये करना चाहिए। लेकिन अक्सर ये चीजें सिर्फ चर्चा तक सीमित रह जाती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कार्यों से, अपनी मेहनत और लगन से बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, उसे हकीकत का रूप देते हैं। दूसरों के सपनों को अपना बना लेने वाले और उन्हें पूरा करने के लिए खुद को खपा देने की कुछ ऐसी ही कहानी ओडिशा के कटक शहर के जुग्गी झोपड़ी में रहने वाले डी प्रकाश राव की। कल ही मुझे डी प्रकाश राव से मिलने का सौभाग्य मिला।
श्रीमान डी प्रकाश राव पिछले 5 दशक से शहर में चाय बेच रहे हैं। एक मामूली सी चाय बेचने वाला आज आप जानकर के हैरान हो जाएंगे 70 से अधिक बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजियारा भर रहा है। उन्होंने बस्ती और झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के लिए आशा आश्वासन नाम का एक स्कूल खोला, जिस पर वे एक गरीब चाय वाला अपनी आय का 50% धन उसी में खर्च कर देता है। वे स्कूल में आने वाले सभी बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन की पूरी व्यवस्था करते हैं। मैं डी प्रकाश राव जी की कड़ी मेहनत, उनकी लगन और उन गरीब बच्चों के जीवन को नई दिशा देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने उनके जिंदगी के अंधेरे को समाप्त कर दिया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये वेद वाक्य कौन नहीं जानता है, लेकिन उसको जी करके दिखाया है डी प्रकाश राव ने। उनका जीवन हम सभी के लिए, समाज और पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। आपके भी अगल बगल में ऐसी प्रेरक घटनाओं की श्रृंखला होगी, अनगिनत घटनाएं होगी। आइए हम सकारात्मकता को आगे बढ़ाएं। जून के महीने में इतनी अधिक गर्मी होती है कि लोग बारिश का इंतजार करते हैं और इस उम्मीद में आसमान में बादलों की ओर टकटकी लगाए देखते हैं। अब से कुछ दिनों बाद लोग चांद की भी प्रतीक्षा करेंगे। चांद दिखाई देने का अर्थ यह है कि ईद मनाई जा सकती है। रमजान के दौरान 1 महीने के उपवास के बाद ईद का पर्व जश्न की शुरुआत का प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि सभी लोग ईद को पूरे उत्साह से मनाएंगे। इस अवसर पर बच्चों को विशेष तौर पर अच्छी ईदी भी मिलेगी। आशा करता हूं कि ईद का त्यौहार हमारे समाज में सद्भाव के बंधन को और मजबूती प्रदान करेगा। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार अगले महीने मन की बात में मिलेंगे। नमस्कार।